मैंने जिक्र किया 2017 में 25 वार्ड ऐसे थे जहां पर हार जीत का अंतर 100 वोटों का था। बेशक से आप निगम में थे, जो अन्य दल मैदान में हैं, कैसे देखती हैं आप उन्हें? ये खेल बिगाड़ेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, वोट प्रतिशत का फर्क पड़ेगा? देखिए, जो अन्य दल हैं या छोटे दल हैं, चाहे वो मैदान में आते भी हैं, इससे हमें भाजपा को कोई नुकसान नहीं एटलीस्ट होने वाला। अगर नुकसान होता भी है तो शायद आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आज ही देखिए, अभी कुछ देर पहले, 2 घंटे पहले इनकी पार्टी के कोई संदीप भारद्वाज है जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, सिर्फ इसलिए कि उनको MCD का टिकट में रिश्वत मांगी गई थी और वो दे नहीं पाए थे क्योंकि गरीब कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्होंने अपने एरिया में मेहनत बहुत की थी और उसके बावजूद टिकट नहीं मिली, अंतवी राय के बेटे को दे दी गई। तो खरीद फरोख का मामला सामने आया है, अभी उनका सुसाइड नोट नहीं मिला है, या शायद पुलिस को मिल भी गया हो, मुझे इतनी इस बारे में अभी जानकारी नहीं है। तो यहाँ हमें इतना डर नहीं है कि हमारे पे कोई असर होगा, लेकिन हाँ, जो आज अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी की जो आज इमेज, मतलब पूरी दिल्ली में और पूरे देश में मैं कहूंगी, जो बन चुकी है कि आए दिन इनके जो भ्रष्टाचार निकल के आ रहे हैं, जो मसाज सेंटर्स निकल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर इन्हीं पर ही पड़ेगा। ये क्षेत्रीय छोटी पार्टियों का आने से भी इनको हार का और ज्यादा सामना करना पड़ेगा। हमें इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वैसे की पार्टी आए, चाहे कोई भी पार्टी आए, हमने काम किया। रीना गुप्ता जी, छोटे छोटे, ठीक है ठीक है।